हिरोशिमा और नागासाकी की दर्द भरी दास्तान सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। जापान के लिए 1945 एक मनहूस साल साबित हुआ, क्योंकि इसी साल जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी का नामों निशान मिट गया। ये मानव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार था, जिसमें अमेरिका ने पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया। विस्फोट इतना भयानक था कि जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह तलक कांप उठेगी। चलिए जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी की दुख भरी कहानी। लिटिल बॉय, सबसे पहले बात करते हैं हिरोशिमा पर हुए हमले की। 6 अगस्त 1945 की बात है। हिरोशिमा शहर के सभी लोग रोजाना की तरह अपने अपने काम में व्यस्त थे। सुबह के करीब 7 बजे थे, तभी जापान की रडार की नजर आसमान में उड़ रहे अमेरिकी विमानों पर पड़ी। विमानों को देख जापान में रेडियो कार्यक्रम रोक दिया गया और चेतावनी के सायरन जोर जोर से बजने लगे। दोस्तों, 1945 में जापान की जनता तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रही थी। यहाँ लोगों के पास खाने का सामान खत्म हो रहा था, इसलिए स्कूल के मैदान और घरों के बगीचों में सब्जियां उगानी पड़ रही थी। लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। इसके अलावा पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए थे कि लोगों ने निजी वाहनों को छोड़कर पैदल चलना शुरू कर दिया। यहाँ की सड़कों पर साइकिल और सैनिकों के वाहन ही नजर आते थे। आलम ये था कि पेट्रोल के अभाव में अमेरिकी विमानों को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं भेजा गया। फिर कुछ देर बाद अमेरिकी विमान चले गए और 8 बजे तक चेतावनी के अलार्म भी बंद कर दिए गए और रेडियो कार्यक्रम शुरू हो गए। बताते हैं कि अमेरिकी विमान पहले जापान की स्थिति जानने के लिए आए थे, क्योंकि वो एक बड़ा धमाका करने की फिराक में थे, लेकिन जापान इस बात से बेखबर था। तभी कुछ समय बाद जापान पर खतरे की घंटी बजने लगी। दरअसल अमेरिकी विमान के सिग्नल फिर से दिखने लगे। इस बार विमान तेजी से आगे बढ़ रहा था। जापान को लगा कि शायद विमान पहले की तरह कोई मुआयना लेने आए होंगे, लेकिन इस बार इनका अंदाजा गलत साबित हुआ। दरअसल हिरोशिमा को उड़ाने के लिए विमान में एक परमाणु बम रखा था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। बता दें, नीले सफेद रंग के इस टाइम बम को विमान की बेली में रखा गया था। इसका वजन करीब 4 टन था और ये 3.5 मीटर लंबा था। इस बम को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत लॉस एलामोस और न्यू मैक्सिको की लेबोरेटरीज में तैयार किया गया था। इस बम को तैयार करने से लेकर इस्तेमाल करने तक के सफर को इतना सीक्रेट रखा गया था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैरी ट्रूमन को जानकारी तक नहीं थी। पहली बार उन्हें तब पता चला जब राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मौत के बाद हैरी ट्रूमैन ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पदभार संभाला। जहां जापान के लोग बेफिक्र होकर अपने काम में बिजी थे, वहीं 8:15 पर अमेरिकी विमानों ने आसमान से आफत बरसाना शुरू कर दी। दोस्तों, यही वो मनहूस घड़ी थी जब हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय बम गिराया गया। 6 अगस्त 1945 ही वो दिन था जब अमेरिका ने दुनिया पर पहला परमाणु बम छोड़ा। कुछ ही देर बाद ये धरती से जा टकराया और एक भयानक विस्फोट के साथ इस बम ने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। इस आफत को विमान के नीचे आने में महज 43 सेकंड का समय लगा। बीच में इतनी तेज तूफान उठी कि बम की डायरेक्शन ही बदल गई और बम अपने टारगेट से भटककर शिमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर जा फटा। इस विस्फोट की पावर का अंदाजा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि जब ये फटा तो टेम्परेचर अचानक से 10 लाख सेंटीग्रेड जा पहुंचा। सुनकर हैरानी होगी कि इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी। विस्फोट होने पर यह एक विशाल आग का गोला बनता दिखाई दिया। इस हमले के बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि पल भर में पूरा हिरोशिमा शहर कब्रिस्तान बन गया था। हर चीज गायब हो गई थी सिवाय कंक्रीट इमारतों के। विस्फोट इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर तक सभी बिल्डिंग्स की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए थे। जहां देखो तबाही का आलम मौजूद था। डेथ मशरूम। विस्फोट के बाद मंजर इतना भयानक था कि हिरोशिमा की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गई। वहीं कई किलोमीटर तक आग की एक भयानक आंधी से फैल गई और कुछ ही देर में करीब 80,000 लोग मौत की नींद सो गए। जैसे ही विस्फोट हुआ, बादलों के बीच सफेद धुएं का गुबार लगभग 3,000 फीट तक उठा और उसने एक मशरूम की शेप ले ली। इसी धुएं वाले मशरूम के नीचे लाशों का ढेर पड़ा था, इसीलिए इसे डेथ मशरूम कहते हैं। विस्फोट के बाद क्या हुआ?
वैसे तो ये विस्फोट इतना खतरनाक था कि लोगों का बचना मुश्किल था, लेकिन जापानी नौसेना के ड्राफ्ट्समैन सुतोमी यामागुची की किस्मत अच्छी थी कि वो किसी तरह बच गए। यामागुची ने बताया कि जब उन्होंने ऊपर आसमान में उड़ रहे विमान को देखा तो उन्होंने विमान से एक छोटी काली वस्तु को नीचे गिरते हुए दिखाई दी। फिर कुछ देर बाद उनकी आंखों के सामने इतनी तेज रोशनी हुई कि उन्होंने अपने हाथों से आंखें ढक ली, लेकिन अब तक उनके शरीर के काफी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और वो जमीन पर मुंह के बल जा गिरे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके आसपास अगर कुछ था तो वो था काला अंधेरा। उन्होंने चेहरे के लेफ्ट हिस्से और लेफ्ट हैंड पर बेहद गर्मी महसूस की। उन्हें काफी तेज प्यास भी लग रही थी, लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं था। बता दें कि इस बम धमाके से बचने के बाद भी सुतोमी यामागुची को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और वो अब इस दुनिया में नहीं है। बताते हैं कि इस महाविस्फोट से बचने वाले लोगों में यामागुची अकेले शख्स नहीं थे, और भी कई लोग थे, लेकिन ये भी सच है कि जो लोग इस हादसे से बच गए उनकी जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। कुछ लोगों की स्किन चेहरे से लटक गई थी और कुछ का शरीर हवा में झूल रहा था। लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, बचाओ बचाओ। दोस्तों, ये दुख भरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जापान के जख्म अभी भरे नहीं थे कि अमेरिका 3 दिन बाद एक और झटका देने के लिए तैयार था। 9 अगस्त 1945 को अमेरिकी विमान ने फिर से जापान के अन्य शहर नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिराया। जब ये बम धरती पर आफत बनकर गिरा, उस वक्त नीचे आने में इसे केवल 43 सेकंड लगे। इस बम का नाम फैटमैन था, जिसे B-29 बॉम्बर विमान से फेंका गया था। बम के गिरने के 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज धाराशाही हो गई थी। ये विस्फोट इतना तेज था कि 8 किलोमीटर दूर बने घरों के शीशे के परखच्चे तक उड़ गए थे। विस्फोट से पैदा हुई गर्मी ने स्किन को 3rd degree बर्न से जला कर रख दिया था। इतनी भयानक स्थिति थी कि इंसान के शरीर का पानी पूरी तरह से जल चुका था। न जाने कितने लोग इस हादसे को झेल नहीं सके और उसी पल उनकी मौत हो गई। इस महाविनाश से बचने वाली एक महिला ने बताया कि उन्होंने उस वक्त महसूस किया कि उनकी पीठ से मांस का कुछ हिस्सा उड़ा हुआ है। वहीं जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उसके सर का एक एक बाल खड़ा हो गया था और उसकी भौहों के सारे बाल जल चुके थे। वहीं नागासाकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कुछ डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी इतनी जोर से विस्फोट हुआ कि खिड़की के शीशे टूट गए और फिर उन खिड़कियों से हवा इतनी तेजी से अंदर आई कि डॉक्टर्स हवा में उड़ने लगे। दोस्तों, सुनने में ये सब आपको भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। एक डॉक्टर का चेहरा कट गया और उनके गाल और गर्दन से गर्म गर्म खून की धारा बहने लगी। ताज्जुब की बात तो यह है कि उन्हें जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। शायद ऐसा टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हुआ हो। आपको बता दें कि जो लोग इस विस्फोट से बच गए थे उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। लोगों के मुंह से झागदार खून निकल रहा था, वो काफी सदमे में थे। वहीं बम के केंद्र के क्षेत्र की एक एक चीज भाप बनकर उड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो सामने कोई जादू चल रहा हो, लेकिन अफसोस, ये सच था। इस दर्दनाक हमले के बाद जापान में इतना नुकसान हुआ जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। देखते ही देखते सब राख हो गया, पेड़ पौधे क्या, इंसान तक नहीं बचे थे। अगर कुछ बचा था तो केवल सन्नाटा। वैसे तो सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन जो लोग बच गए थे उनकी मौत हानिकारक रेडिएशन से हो गई। इसके अलावा पानी भी इतना जहरीला हो गया था कि अगर कोई उसे पीता तो जान से चला जाता। स्थिति इतनी खतरनाक थी कि इलाज करने वाले खुद जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। बताते हैं कि ये परमाणु हमला इतना विनाशकारी था कि काफी सालों तक यहाँ बच्चे अपंग पैदा हुए, वो जन्म से ही किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे। साथियों, तो देखा आपने कितनी दुख भरी थी हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी। आज भी लोग इसे सोचकर सिहर उठते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक इतिहास के किस पहलू पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।